वाइल्ड टाइगर मारा मेरे को भी चाहिए जिंदगी। क्या होता है ज़ॉम्बी? वही जो इंसानों को खाते हैं। यकीन ना हो तो मुझे ट्राई कर लो। क्या नाम है तुम्हारा? डॉक्टर डेविड। हमारी टीम मजबूत हो रही है, हमारे साथ चलोगे? तो और भाई लोग क्या हालचाल है यार, सब बढ़िया हो ना यार? जी हाँ, मैं लेके आ चुका हूँ हमारा ज़ॉम्बी मोड वाला गेम प्ले लेके। हाँ मुझे पता है आप लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। देखो यार सच बताऊँ तो हमारे गेम प्ले 2 दिन पहले ही आ जाता, लेकिन आप सभी को पता है मैंने अभी लाइव स्ट्रीम वगैरह करी थी इसलिए गेम प्ले थोड़ा सा लेट हो गया। वैसे भाई लोग आप लोग मुझे कमेंट करके सच सच बताओ आप सभी को ज़ॉम्बी मोड वाला अपडेट कैसा लगा, और आप लोग देख रहे हो आज हमारे साथ कौन खेल रहा है। अरे हाँ यार, आप लोगों ने सही देखा, आज हमारे साथ खेल रही है ओपी चीकू। तो भाई लोग समझ जाओ आज वाले गेम प्ले में आप सभी को मजा तो दबा दबा के आने वाला है। और आप सभी ने एक चीज नोटिस करी, जरा मेरे सर के ऊपर देखो, देखा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया पार्टनर। बीजीएमआई वालों ने पहले बीजीएमआई पार्टनर टाइटल का नेम अल्टीमेट इन्फ्लुएंसर कर दिया था, आप सभी को पता ही है, लेकिन यार अल्टीमेट इन्फ्लुएंसर में मजा ही नहीं आ रहा था। हाँ यार, कोई पहचानता ही नहीं था कि बीजीएमआई पार्टनर वाला बंदा आ गया। तो भाई लोग यही सब सोच के बीजीएमआई वालों ने दोबारा से बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया पार्टनर नेम रख दिया। और अब आई ना पार्टनर वाली फीलिंग। भाई लोग सच बताऊं तो एक टाइम पर मैं बहुत ज्यादा सोचा करता था यूट्यूब पर ग्रो करूंगा, बीजीएमआई पार्टनर टाइटल लूंगा, बहुत सोचा करता था। और आज देखो आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से सब कुछ है, तो आप सभी को दिल से लव यू मेरी जान। चलो भैया बहुत ज्यादा बातें हो गई, अब जरा गेम पर ध्यान दिया जाए। देखो जब मैं ये वाला गेम प्ले बना रहा था तब मैं ये वाला मोड पहली बार ही खेल रहा था, तो आप लोग समझ सकते हो पहली बार में क्या क्या होता है। बंदे। हाँ यार चीकू, यहाँ पर बंदे भी आते हैं, तुम्हें क्या लगा था यहाँ पर सिर्फ घूम आएंगे? अरे चीकू रुक जाओ, मैं बचाने आता हूँ। अरे पेटी डल गई क्या? अरे यार चीकू तुम मर गए लगता है, अब मुझे यहाँ पर अकेले ही संभालना पड़ेगा। अरे हाँ एक बात याद आई, चड्डी ने बोला था चीकू अगर साथ है तो ऐसे मत सोचना, चीकू सच में साथ है, चीकू का होना या ना होना एक ही बराबर है। फिलहाल तो भाई मुझे यहाँ पर जो जो बंदे देखते जा रहे हैं मैं मारते जा रहा हूँ, अब इसमें आगे करना क्या क्या है खैर वो तो समय के अनुसार पता चल ही जाएगा। यार वैसे यहाँ पर बंदे बहुत ज्यादा आ रहे हैं, मेरे बगल में ना काफी सारे बंदे हैं, तो मैं सोच रहा था पहले अच्छी सी लूट हो जाए फिर इनके ऊपर रश करता हूँ। लगता है एकाध किल तो चोरी हो गया, और जिसने किल चोरी करा है वो बस सामने ही खड़ा है। तो अब वक्त आ चुका है बम्बू फटके लाल से फटका देने की, तो सभी मित्रगण जोर से बोलेंगे बम्बू फटके लाल की जय। देख रहे हो भैया जी कैसे फिनिश होने के लिए तड़प रहे हैं, भाई मरना ही था तो पहले आ जाते। यार यहाँ पर तो अभी और बंदे बचे हैं, चीकू तुम भी जल्दी आ जाओ, कब तक आओगे यहाँ पर? वापिस वही आ रही हूँ, ये प्लेन इतना ही धीरे चलता है। हाँ यार ये प्लेन बहुत ज्यादा धीरे चलता है, इसकी अलग ही समस्या है, रुको बीजे वालों से बात करके इसकी स्पीड बढ़वाता हूँ। हाँ मेरी बात है वो मान जाते हैं। भाई लोग बाल बाल बच गया यार, ओ एक और बंदा है। हाँ हाँ कोशिश तो यही है कि सबको मार दूं, बाकी देखते हैं आगे चल के। अरे ये पीछे से कौन आया? लग रहा है मैं तो सेकंड टाइम उतरते ही वापस मार। अरे बॉर्ड दादा है क्या? यार बॉर्ड दादा तुम भी बिगड़ रहे हो, सब समझ रहा हूँ मैं, पीछे से बल्ले बल्ले करने आ रहे थे ना। यार ये ज़ॉम्बी ना ऐसे लगते हैं जैसे बंदे चले आ रहे हैं, साला एक पल के लिए तो कंफ्यूज हो जाता हूँ कहीं बंदे तो नहीं आ गए। वैसे यार ज़ॉम्बी इंसानों का ही तो रूप है। अरे हाँ यार ये मैं कैसे भूल गया, इंसान ही तो ज़ॉम्बी बन जाते हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। चीकू तुम्हें ज़ॉम्बी मारने हैं तो मार दो इनको, मारना है क्या? क्या पूछा, इनको मारना होता है? अरे नहीं नहीं इनसे तो रिश्तेदारी करनी होती है। खैर भाई लोग यहाँ पर आगे साइड बंदे हैं तो इनको मारना तो पड़ेगा ना मेरी जान। अच्छा ये मार्क लगाने पे भी बोल रहा है। बंदे बंदे। किल चोरी करने का तो अलग ही मजा है भाई, लगता है इसकी सजा अलग से मिली जाएगी।
अरे मरा कैसे नहीं, बहुत ज्यादा डैमेज दिया भाई। चलो बहुत बढ़िया, किसी ने तो मारा। देखो अब हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक दो बंदे और थे तो हमने सोचा वो और मिल जाए उनको भी मार देंगे, और तभी वो मिल जाते हैं। मैं जा रही हूँ बंदों के पास लहराते हुए। बंदा और भाई यहाँ पर मरने के अलावा कोई चांस ही नहीं बचा था। मेरा तो रिकॉल बचा था तो मैं दोबारा से यहीं पर आ जाता हूँ, मरूंगा या मारूंगा मेरा तो हमेशा से यही सिद्धांत रहा है। और यहाँ पर आते ही क्या हुआ जरा देखो आप लोग। ये बड़ा वाला अब यार किसने सोचा था ये वाले बंदे यहाँ पर होगा। देखो ये वाला मोड में पहली बार ही खेल रहा था इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे को पता चल चुका है बंदे कहाँ कहाँ छुप सकते हैं। खैर उसके बाद हम लोग दूसरा मैच लगा लेते हैं, और भाई लोग ये वाले मैच में दुगना मजा है, बताऊं कैसे। अभी वाले मोड में मैं थोड़ा सा तो एक्सपर्ट हो चुका हूं, तो बंदों को तो मैं भगा भगा के मारने वाला हूं। और हमारे विजेता अंकल भी खेल रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो उठपटांग हरकतें होने ही वाली है। फिलहाल तो भाई लोग हम लोग वही भूतिया वाली जगह पर उतर चुके हैं, और यहाँ पर उतरते ही क्या होने वाला था ये तो मुझे भी नहीं था पता। चलो भाई फटाफट से लूटा लाटी करके बंदों की तलाश में निकला जाए। भाई लोग देखा सामने साइड मुझे दो बंदे तो दिख चुके हैं, रुक जब बम्बू फटके लाल को उपयोग करता हूँ। अरे कुछ नहीं हुआ यार, बंदे तो वहीं पर हैं, लेकिन बहुत हो गया यार, लगता है अब रश ही करना पड़ेगा। हो गया, मैं तो नहीं कर पाएगा ये कुछ। अरे विजेता अंकल को किसी ने नॉक कर दिया क्या? खैर छोड़ो यार, इनका तो काम ही यही है, नॉक होते रहते हैं बस। हाँ चिकू तुम बचाने जाओ, मैं थोड़ी सी लूट कर लेता हूँ। अरे आ जाओ यार, बचा लो। हाँ हाँ चाचा मैं आ रहा हूँ, लेकिन चिकू मना कर रही है, मैं क्या करूँ। अपने साथ मत चलिए, हमको अलग है। अरे भाई बन एचपी हो गई यार, भागो भागो नहीं तो मार देंगे ये लोग। तो हेल्थ लगा लेता हूँ यार, मैं तो बस मरते मरते बचा हूँ। अरे चीकू तुमने पुकारा क्या? आले चक में आ गया। अंकल जी कवर में रहना, मैं बस आ गया। टाइगर जल्दी आ जा, अरे बॉट मार देगा बॉट। मार डाला। ये ऑल पे कौन बोला था भाई लोग? कोई बोला ना घायल टाइगर मारा मेरे को? हाँ तो वही तो कह रहा था, अरे मर गया, अरे चाचा ने मार दिया भाई, बॉट मार गया मुझे यार। डर था ना, ऑटो पे चला रहा, बॉट इतना हराम था ना, ऑटो पे चला रहा। अंकल जी अब आप समझ जाओ आपका गेम कैसा है, आपको बॉट भी प्रो लग रहा है। यार मुझे ऐसा लग रहा है सामने साइड कोई तो बॉट है, मुझे फुटस्टेप भी आई थी अभी। ये तो हमारे साथ स्कैम कर दिया बे। यार मैं हमेशा बॉट के झांसे में आ जाता हूँ, क्या करूँ यार। चलो कोई नहीं, मेरा रिकॉल बाकी था तो मैं दोबारा से यहीं पर आ जाता हूँ। और हाँ आप सभी को ये चीज पता है का, मैप के ऊपर देखो लिख के आ रहा है प्लेयर इन एरिया 5, मतलब इस मैप में अभी 5 बंदे अलाइव है, 4 तो हम है और 1 बंदा और है कोई। ये लो भैया बॉट दादा थे जिनको मैंने मार दिया, और अब यहाँ पर सिर्फ हम 4 ही बचे। यार चीकू मुझे M4 दे दोगे क्या? M4 के बदले मैं तुम्हें UMP देता हूँ। अरे M4 दे दी क्या यार? चीकू आप तो बहुत अच्छे हो, रोज मेरे साथ ही खेला करो। अच्छा भाई लोग यहाँ पर बड़ा वाला ज़ॉम्बी आ चुका है, चलो इसको ठिकाने लगाते हैं। चलो चलो चलो, क्या रे भीख मांग गया? Guys,
उतरा पीछे, पीछे बंदा लैंड कर गया, वो हल्का सा आउटसाइड उतरा है। बंदा तो ठीक है यार, लेकिन इसको देखा है कितनी जल्दी मर गया यार। ये वाले जोम्बी को थोड़ा सा और पावरफुल बनाना चाहिए था। हाँ यार, बड़ी जल्दी मर जाता है, इसको मारने में मजा ही नहीं आता। अगर ये थोड़ा सा पावरफुल होता, कुदक कुदक के मारता, तो इसको मारने में भी बहुत ज्यादा मजा आता। बाउंड्री के अंदर नहीं आया होगा तो। आगे अरे आगे है, मेरे आगे आगे कहीं आवाज आई। चलो 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 चलो। अब अंकल जी बताते हैं इनके पास एक बंदा है। नहीं है चाचा, अगर हो हाँ है दिख गया, फाइव दिख गया, इसको निपटाते हैं पहले। और भाई मैंने गाड़ी वाले बंदे को मार दिया, और यहाँ पर जो बंदा कैंप कर रहा था उसको चीकू ने बड़े आराम से मार दिया। भाई लोग, आप लोग ने मुझे कमेंट करके बोल रहे थे टाइगर भाई बम्बू फट के लाल से अब हम अपने टीममेट्स को नहीं मार सकते। यार मैंने तो ट्राई करके नहीं देखा और मुझे पता भी नहीं था, तो मैंने सोचा चलो यार अभी ट्राई करके देखते हैं। हाँ तो ये एक्सपेरिमेंट करेंगे हम हमारी चीकू पर। चलो भाई मुझे तो खरोंच तक ना। अरे वाह चीकू, तू नेट प्रूफ है, रुक जाओ देसी पौआ फेंक के देखता हूँ। अरे भाई जल रहा हूँ यार इसमें तो। तुम ही नहीं पटे गए दोस्त, तो बड़ी दूर की बात है। साले तू। अरे यार ये वाला एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, किसी ने कुछ नहीं देखा। देखो हम लोग वहाँ से निकल के आ जाते हैं बंदों की तलाश में पोचंका साइड। तभी हमारे विजेता अंकल ये बोलते हैं। अब सामने साइड चली थी फ्लेयर गन, मतलब वहाँ पर बंदे तो हैं, तो हम लोग फटाफट से यहाँ पर आ जाते हैं। वो खड़े ओपन में लगा इधर से लगा। अरे बोले ओपन में, अरे भाई पागल पागल हो क्या भाई, इधर भी है ले। मैंने तो एक बंदे को नॉक कर दिया, लेकिन विजय अंकल जिससे फाइट कर रहे थे वो वाला बंदा बच जाता है। गाड़ी फट गई। चलो भाई मैं अच्छा हाँ हो गया, एक और आ जाओ। और भाई यहाँ पर तुम्हारे भाई ने बड़े आराम से क्लच कर दिया। बंदे आ गए, बंदे आ गए, हमारे पास गाड़ी आ गई। जल्दी 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 तुम्हारे पास। यार कितना डैमेज दिया, गाड़ी स्लो होती तो इनको उतार देता मैं। यार ये लोग तो बच के निकल गए, लेकिन भाई लोग अब यहाँ से ना हमारे साथ बहुत ज्यादा ही गलत सीन शुरू होने वाले थे। अबे अबे शेट, अबे शेट, अबे शेट, सामने है पहाड़ी पे कोई कोठरी है गंदा। यार ये वाला बंदा ना लेट के बहुत ज्यादा ही खतरनाक स्प्रे मार रहा था, मुझे और विजय अंकल को दोनों को नॉक कर दिया। चीकू आ जाओ मुझे भी रिवाइव दे दो। नहीं मारे पाएगा वो अब, क्योंकि इवेंट ही नहीं रहा, आज पहली बार फायदा लगा है कामे हमें आना होने का। हाँ यार कामे हमें मैं होता तो अभी तक तो कोई हमें छेद देता। अब भाई लोग यहाँ पर मैं जैसे ही रिवाइव हुआ उतने में हमारे ऊपर एक टीम ने रश कर दिया। आप झांक रहे, आना साले आगे आना चूती। बस यार कैसे भी करके मेरी हेल्थ लग जाए, फिर देखो मैं इनके साथ कैसे बल्ले बल्ले करता हूँ। अरे वो टीम अप करने आए थे यार, पता है ऐसे बोल रहे थे हेलो चीकू रुको 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 चीकू रुको। यार चीकू एक बात बताओ, वो लोग टीम अप करने आते तो हमसे फाइट क्यों करते, वो तो पहले ही उछलने लगते, लेकिन नॉक हो गए तो टीम अप करने लग गए। देखो भाई लोग पहाड़ी वाले बंदे अभी भी बचे थे जिन्होंने मुझे और विजय अंकल को नॉक किया था, वो वाले बंदों ने हमारे ऊपर रश कर दिया है। एक ऊपर होगा, एक ऊपर रुका होगा। रुक जाओ रुक जाओ, और गाड़ी आ गई। एक नॉक है, जल्दी किधर है
भाई लोग यहाँ पर आपने ध्यान से सुना और देखा होगा तो M4 से कोई बंदा सप्रेसर लगा के दूर से मार रहा था। उसी बंदे ने दूर से मुझे और चीकू को नॉक कर दिया और हमारे साथ गलत सीन हो गए। खैर कोई बात नहीं भाई लोग, यही थी आज की वीडियो जो कि आप सभी ने देख ली। आज वाली वीडियो आप सभी को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप सभी को वीडियो में जरा सा भी मजा आया हो तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना, और ये वाली वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दो यार। आपके एक शेयर से मेरी बहुत ज्यादा हेल्प होगी, तो कर दो मेरी जान। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लो, वहाँ पर मैं काफी सारी चीजों के बारे में अपडेट देते रहता हूँ, और वहाँ पर मैंने ग्रुप बना रखा है जिसमें आप सभी से बातें भी करते रहता हूँ, तो इंस्टाग्राम पर भी आ जाओ जल्दी से। तो खैर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।